जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करेंगे आज उत्तराखंड साप्ताहिक करंट अफेयर, ठीक है। और ये फरवरी माह की तीसरी वीडियो है, तीसरे सप्ताह की, 15 से 21 फरवरी तक का ये आपका अपडेट करंट अफेयर है, ठीक है, उत्तराखंड का ओनली। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर के बारे में, ठीक है, जो आप तैयारी कर सकते हैं और इस वीडियो में। फिर इसके बाद अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर की काफ़ी सारी वीडियो हैं, 2020 की भी वीडियो हैं हमारे पास, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में लोसर पर्व उत्तराखंड के किस समुदाय के द्वारा मनाया गया। तो लोसर पर्व क्या होता है, एक नया साल होता है, ठीक है, लोसर पर्व एक नया साल होता है जो खंपा समुदाय द्वारा मनाया गया, ठीक है, खंपा समुदाय द्वारा पिथौरागढ़ जिले में मनाया गया और ये झाम्पलिंग गोम्पा में मनाया गया, ठीक है, झाम्पलिंग गोम्पा में मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट की बात करें तो उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में की गई है, टिहरी के कोटी में की गई है, ठीक है, टिहरी के कोटी में की गई है, जो वैदिक स्कूल बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। और इस वैदिक स्कूल में संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर तीन की मैं बात करते हैं, पहली बार आयोजित राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की किसने जीती थी, ठीक है। इस बार जो पहली बार ऑल इंडिया जो पहली बार आयोजित राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप हुई, तो किसने जीती इसे, तो ये जीती है उत्तराखंड के मनीष सिंह रावत हैं, पूर्व में ओलंपिक में प्रतिभाग कर चुके हैं, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे, ठीक है। और लड़कियों की अंडर 20 में भी रेशमा पटेल थी और जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल के नाम पर ये रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ की जो लोकल पंचायत है उसने इसका निर्णय लिया है, ठीक है, इसके बाद नगर पंचायत ने। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी झील महोत्सव 2021 का शुभारंभ कब हुआ, ठीक है। तो टिहरी झील का शुभारंभ हुआ 17 फरवरी 2021 को हुआ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया। सरकार द्वारा इस महोत्सव को अब हर वर्ष बसंत पंचमी को मनाया जाएगा, क्योंकि इसका जीओ जारी कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार द्वारा। टिहरी झील जो है, ठीक है, टिहरी झील के किनारे स्थित प्रताप नगर और पहाड़ियों पर 45 फीट ऊंचा टिहरी लेक साइनेज बनाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 1200 करोड़ रुपए की इसमें लागत से टिहरी और प्रताप नगर का विकास किया जाएगा, ऐसा कहना मुख्यमंत्री का है, ठीक है। तो टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत 2010 से हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो जो भारतीय चिकित्सा परिषद में उत्तराखंड के कितने सदस्य मनोनीत किए गए, ठीक है। तो भारतीय चिकित्सा परिषद में उत्तराखंड से 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ठीक है, 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया जो केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय ने उर्वरक सलाहकार फोरम में उत्तराखंड के कितने सदस्यों को मनोनीत किया है, इसमें भी इस फोरम में भी 4 सदस्यों को उत्तराखंड से मनोनीत किया है उर्वरक फोरम में, ठीक है, उर्वरक सलाहकार फोरम में। तो इसका इनका जो कार्यकाल रहेगा दो साल का रहेगा और इसमें जो एक तो मशरूम गर्ल है जो दिव्या रावत, ठीक है, देहरादून की है, ये दिव्या रावत है, मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती है, इनको बनाया गया है इसमें सदस्य, ठीक है। और भारतीय सर्व समाज महासंघ के अध्यक्ष राम कुमार वालिया को बनाया गया है। कृषि विपणन जो विपणन बोर्ड रुद्रपुर है उसके निदेशक जो हैं रामविलास यादव को बनाया गया है, ठीक है। काशीपुर के उदित अग्रवाल को भी सदस्य बनाया गया है इसमें, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो हम अफोर्डेबल रेंटल हाउस योजना उत्तराखंड के कितने शहरों में लॉन्च की गई है। तो अफोर्डेबल रेंटल योजना जो योजना 7 शहरों में उत्तराखंड के लॉन्च की गई है, केंद्र सरकार द्वारा की गई है, देहरादून, हरिद्वार, जसपुर, लालकुआं, लंढौर और मसूरी और नैनीताल में लॉन्च की गई है ये। इसमें पहले चरण में 613 आवास किराए पर दिए जाएंगे और छात्रों को 1 से 3 हजार रुपये में यहाँ पे कमरा मिल पाएगा, ठीक है, आसानी से। इसमें इस योजना के तहत ऐसा है कि किसी नगर पंचायत या नगर पालिका में जो भी खाली पड़े भवन हैं उनको रिनो करके उनको किराए में लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड के किस मार्ग को एनएच का दर्जा दिया गया है। तो एनएच का दर्जा दिया गया है सिमाली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी मोटर मार्ग को और इसको शामिल किया गया है भारतमाला परियोजना में। इसके तहत भारतमाला परियोजना के तहत 2 के डबल लेन बनेगा ये मार्ग, ठीक है, इसकी चौड़ाई डबल लेन हो जाएगी और इसमें ये इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई 230 किलोमीटर लगभग लंबा है ये और इसका जो नामकरण है NH-109K हो गया, ठीक है, NH-109K से नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया फॉरेस्ट फायर सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा। तो फॉरेस्ट फायर सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाएगा FRI देहरादून में, ठीक है, और इसे क्यों खोला जाएगा, इसे वनाग्नि रोकने के लिए विशेष तौर पर एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11, देश का पहला जिसने महिला संपत्ति में अधिकार देने वाला कानून बनाया है कौन सा राज्य है, वह है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं को जितनी हिस्सेदारी पुरुष की होगी उतनी ही हिस्सेदारी संपत्ति में महिलाओं को भी दी जाएगी, ठीक है, ये कानून पास हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, संजीवनी महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो किसने किया संजीवनी महोत्सव का, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया, देहरादून में किया, ठीक है, इसके तहत सहकारिता द्वारा लगाया गया ये, वहाँ पे महिलाओं द्वारा कई उद्योग बनाए गए हैं, हैंडमेड कपड़े वगैरह हैं, तो इसलिए संजीवनी महोत्सव था ये, ठीक है। तो इसका उद्घाटन बेबी रानी मौर्य जी द्वारा, राज्यपाल जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर करें और बताएं हमें किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।